हेलो स्टूडेंट, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में अपन आगे डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने मेडुलन कांस्टेंट को डिस्कस किया था, जनरल NaCl का वन डायमेंशनल मेडुलन क्रिस्टल था उसको अपन ने स्टडी किया था और किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है इसमें, इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था। आज मैं NaCl क्रिस्टल की जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है उसके लिए जो मेडुलन कांस्टेंट फाइंड आउट किया जाता है उस पर डिस्कस करता हूँ। और जो नीचे कमेंट था कि न्यूमेरिकल पोर्शंस कम हो रहा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, आप क्रिस्टलोग्राफी एक बार खत्म होने दो, उसके बाद जब असाइनमेंट करवाता हूँ तब आप देख लेना खुद ही कितने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। जनरली अपन अभी डिस्कस करेंगे तो कुछ मिलर इंडिसेस के कर सकते हैं, कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स को अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल स्टडी कर सकते हैं। बट अभी क्या है, जैसे ही मेडुलन कांस्टेंट खत्म होगा उसके बाद जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और NaCl क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस होगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक साथ न्यूमेरिकल को, रेसिप्रोकल लैटिस को भी कवर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल लैटिस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अपन कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट अभी डिस्कस करना तो उचित नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी थ्योरी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है सॉलिड के अंदर, ये जो क्रिस्टलोग्राफी वाला है इसको एक बार अपन कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल अप्रोचेज पे जाएंगे, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स का टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट आज इवनिंग तक हो जाएगा कि टेस्ट सीरीज का जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, संडे को टाइम वेब पोर्टल पे अपने एग्जामिनेशन का जो वेब पोर्टल है वहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट हो जाएगा। वहाँ से आप जो टेस्ट है वो दे दें और वहाँ से आपकी सबमिट भी हो जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं और कितना आपने गेन किया है, ठीक है, कितने तैयार हैं आप अभी तक। अपन बात करते हैं मेडुलन कांस्टेंट की, NaCl की। अभी बात नहीं करूंगा मैं कि देखो अभी सिर्फ एक चीज देखो, जब NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे जो एटॉमिक जो रेडियस है, क्या एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या करेंगे अपन, जो Na है सोडियम है उसकी जो ग्रेटर देन होती है किसकी, Cl की, एटॉमिक रेडियस। इसलिए क्या होता है कि जो ये NaCl क्रिस्टल है ये क्या कंटेन करता है, FCC स्ट्रक्चर कंटेन करता है। तो जो FCC क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं और फेस होते हैं उन पे तो क्लोरीन आयन्स होते हैं, जो बीच में जो वैकेंसी होती है वॉइड होती है, जैसे इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाई जाती है, ठीक है। FCC के अंदर मेनली दो वॉइड होती है, एक होती है क्या, टेट्रागोनल वॉइड और एक होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर के अंदर, टेट्रा के लिए तो मैं बता चुका हूं, ऑक्टा के लिए भी बताएंगे आपको जब NaCl क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे। तो चक्कर ये है कि जो Na है उसकी एटॉमिक रेडियस कम होती है Cl जो आयंस है उसकी कंपेरिजन, तो जो वैकेंसीज है जो वॉइड है उसके जो बीच में, जैसे Cl जो आयंस है उनके बीच में कहां होगा, Na आयन रखा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि Na को ही आपने अभी तक पढ़ा भी होगा सॉलिड को कहीं ना कहीं से, कि जब NaCl की स्ट्रक्चर देखी तो सेंटर के अंदर आपका जो सोडियम आयन रखा जाता है वो सेंटर में रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है उसका भी मैं बताऊंगा जब NaCl स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। देखेंगे जब जो टेट्रा जो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है वो इस तरीके से कोई कंस्टेंट होगी और उसके बीच में क्या आएगा, एक आयन आएगा और बीच में कौन आएगा, खाली वैकेंसीज में Na, तो वहां सेंटर पे क्या आता है अपना Na जो आयन है वो कंस्टेंट होता है, तो उसके ऊपर स्टडी करेंगे। बट अभी मेडुलन कांस्टेंट पे चलते हैं। पहले एक बात करते हैं NaCl की स्ट्रक्चर क्या होती है। NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, तो आप बना भी चुके हैं बार बार BSc के अंदर, MSc जो एग्जामिनेशन जो कॉलेज कोर्सेज होते हैं उनमें, बट आज वापिस से अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो NaCl का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक तो क्लियरिफाई होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जो थ्री डायमेंशनल जो मेडुलन कांस्टेंट है वो देखने के लिए आपको आगे तक कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ठीक है, अच्छा बनाएं, क्लियर बनाएं, ताकि आपको क्या हो, क्लियरिफाई हो सके कि कहाँ एटम है और कहाँ से जो रेडियस ली जा रही है इसकी वो ली जा रही है, ठीक है। ये आपका हो गया एक क्यूब, क्लियर, यहां तक। एक क्यूब कंस्टेंट करने के बाद आपको NaCl क्रिस्टल बनाने के लिए, देखो पूरा बताएंगे अभी, ठीक है, बीच में टॉपिक उठा लिया था इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। ये प्लेन देखो, इसमें से बीच में से, इसके एज से, सेंटर से,
इसके सेंटर तक, क्लियर। और इसके जो नीचे वाला सेंटर है यहां तक भी आप इसको कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। ये लो, ये आपका इस तरीके से, तो इस तरीके से तीन प्लेन हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से तीन प्लेन आएंगे, तो उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए देखो इसका सेंटर और इसका सेंटर कवर करो और इसके एज पे लाओ नीचे वाले पे, ये लो। इस तरीके से इसके नीचे वाले एज पे इसको लेके आओ, ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। सेम सिचुएशन से आपको क्या करना ड्रॉ है, आपको ये बीच वाला प्लेन ड्रॉ करना है इसके, क्योंकि एक तो नीचे वाला ये हो गया, ऊपर वाला ये हो गया और नीचे वाला ये, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको कंस्ट्रेंट करना है, ये लो आपके तीन। ये जो स्ट्रक्चर है ये NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है, ये NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है। अब NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है तो मैंने बोला जो फेस जो एटम है, फेस जो सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्लोरीन आयंस आएंगे। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि देखो मैं इससे जो क्लोरीन आयन को रिप्रेजेंट करूंगा, किससे करूंगा, इससे क्लोरीन आयन को रिप्रेजेंट करूंगा Cl नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इस व्हाइट से मैं करूंगा रिप्रेजेंट Na को, किसको, Na प्लस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, Na प्लस। आपको पता है, एक और कर दो आप इसको, कि जो इसका जो सेंटर है इसका, यहां से इस सेंटर को आप इस तरीके से अटैच्ड कर दो, कर दोगे, और इसके इस सेंटर को आप अटैच्ड कर दो, ठीक है। ये लो, अब जो आपका जो Na आयन है वो क्यूब के सेंटर में रखा जाएगा, Na। तो Na का मतलब ये लो, व्हाइट पोर्शन है जो Na को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी बात करेंगे कि बीच में Na क्यों रखा गया है, क्योंकि जो ओक्टा है हेड्रल जो वॉइड है उसके बीच में जो सेंटर में रखा जाते हैं वो Na रखे जाते हैं, क्योंकि जो खाली वैकेंसीज होती हैं उन्हीं में तो Na आएगा, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वो बहुत कम है, इसीलिए क्या रखा जाता है, इसको सेंटर में रखा जाता है। अब बात करते हैं अपन कि जस्ट अल्टरनेटिव रखना है आपको, ठीक है। तो आप एक काम करो, जस्ट इस Na के ऊपर आपका क्या होगा, क्लोरीन आयन होगा, तो क्लोरीन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके जस्ट क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन लो, इसके जस्ट नीचे भी क्लोरीन, ठीक है, इसके जस्ट इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन, ठीक है, ये लो, और इसके जस्ट इधर भी क्लोरीन आएगा, ठीक है, इधर भी क्लोरीन आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के जस्ट बाद में सबसे पहले क्या होगा, सोडियम, इधर भी सोडियम, कोई दिक्कत, ठीक है। सोडियम के दोनों साइड में क्या होंगे, क्लोरीन, ठीक है, इस सोडियम के भी इधर क्लोरीन होगा, इधर भी क्लोरीन होगा, कोई दिक्कत। और क्लोरीन के दोनों के बीच में क्या आएगा, सोडियम, कवर करते जाएं एक एक पॉइंट को, नीचे आ जाओ, ये क्लोरीन आयन है, इसके जस्ट इधर क्या होगा, सोडियम आयन, क्योंकि अल्टरनेटिव रखे जाएंगे ना NaCl स्ट्रक्चर में, तो देखो ये सोडियम, ये सोडियम, इधर भी क्या होगा, सोडियम और सोडियम। तो जस्ट एक चीज देखो, इस क्लोरीन के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद जस्ट बाद क्या आएगा, क्लोरीन आयन, ठीक है, और इस सोडियम के बाद क्लोरीन, ऐसे ही स्ट्रक्चर में ये क्लोरीन आएगा और यहां पे भी क्या होगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जब क्लोरीन है तो ये क्या होगा, सोडियम, ये भी क्या होगा, सोडियम, ठीक है, ये दोनों क्लोरीन है, इनके बीच में सोडियम और इन दोनों के बीच इसके बाद क्या आएगा, सोडियम। ये आपका NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपको देखना है कि मेडुलम कांस्टेंट निकालने के लिए, सबसे पहले मेडुलम कांस्टेंट के लिए अपना जरूरी चीज क्या है, कि मैं कल ही बता चुका हूं कि यू निकालना है, वो भी क्या, माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर या फिर ए, जो भी लेते हो आप, और अल्फा, ये टर्म आने के बाद जो अल्फा होता है वही क्या होता है, अपना मेडुलम कांस्टेंट होता है, ये अल्फा क्या होता है, मेडुलम कांस्टेंट होता है, क्लियर। तो आज अपन बात करते हैं थ्री डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मेडुलम कांस्टेंट।
तो सबसे पहले जो सेंटर वाला सोडियम आयन है, ठीक है, सेंटर वाला सोडियम आयन क्या है, सेंटर सेंटर जो एट सेंटर Na प्लस आयन, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस है, उस पर कितने एटम रखे हुए हैं और किसके एटम रखे हुए हैं। देखो इसके जस्ट इधर क्लोरीन रखा हुआ है, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन और ऊपर भी क्लोरीन रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, और ये सारे सेम डिस्टेंस भी होंगे कि नहीं होंगे भाई, क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो सेम डिस्टेंस भी होंगे सारे, ये ऐसा दिख रहा नहीं है पर सभी सेम डिस्टेंस में है, ठीक है, ये तो कितने आयंस अपने सेम डिस्टेंस पे इसके, देखो जरा एक बार, सिक्स आयंस आपको नजर आ रहे हैं, सिक्स आयंस, देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स एटम है, तो सिक्स एटम की वजह से जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, यू वन होगी, और यू वन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देखो सोडियम आयन पे कैसा है चार्ज है प्लस और क्लोरिन पे नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस का K e स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है नियरेस्ट 1 a, तो ये एक के लिए है, ऐसे कितने हैं सभी नियरेस्ट 6, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, माइनस 6 K e स्क्वायर अपॉन a, अपना u1 पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट आ गई, सेकंड आपको u2, इस सेंटर वाले सोडियम आयन से कितने सोडियम आयन सेकंड नियरेस्ट पे रखे हुए यानी दूसरे रखे हुए, जरा देखो जो इस सोडियम से जो ये रखा हुआ है सोडियम, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, या फिर कौन से सोडियम है, ये 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 जो भी हो सोडियम सारे, ये सभी सेम डिस्टेंस पे होंगे, देखो 1 2 3 4 तो ऐसे ही फोर ये रहे, तो 4 4 और 4 कितने हो गए 12 सोडियम आयन इसकी डिस्टेंस पे रखे हुए। अब इस नियरेस्ट डिस्टेंस को फाइंड कैसे करेंगे, चेक करते हैं, देखो ये सोडियम आयन है तो ये सोडियम लो भाई साहब, ये सोडियम रहा, कोई दिक्कत, यहां सोडियम सेंटर वाले की बात कर रहा हूं, जस्ट सेंटर, अपने को अभी क्लोरीन पे नहीं जाना है, सोडियम पे जाना है डायरेक्ट, तो एक काम करो, मैं ऊपर गया और कहां पहुंचा, क्लोरीन पे पहुंचा, कहां पहुंचा क्लोरीन पे, हाजी भाई साहब Na और Cl के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप एक काम करो, ये जो क्लोरीन है और एक दूसरा सोडियम है उसकी डिस्टेंस कितनी है अपनी, ये लो यही है क्या, ये वाला सोडियम, ठीक है, तो ये लो सोडियम, सोडियम ही है यानी ये भी Na प्लस है और ये क्लोरीन और ये Na प्लस है, अब आपको डिस्टेंस तो ये चाहिए ना इस बार, तो लो भाई साहब ये डिस्टेंस चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी रूट टू ए आ जाएगी, तो आपके जो 12 एटम है सोडियम आयन के वो रूट टू ए डिस्टेंस, भाई साहब ऐसे नहीं है कि ये सोडियम की रूट टू ए नहीं है, आ जाओ इसको भी बता देता हूं एक बार जनरल कैसे लगाओ कि इसके लिए मास्टर ने बता दिया दूसरी वाली नहीं बताई, आओ देखो ये सोडियम आयन है इससे जस्ट नीचे आओ, ये क्लोरीन है क्या, ये क्लोरीन है, येलो क्लोरीन डिस्टेंस ए, उसके बाद ये सोडियम है, ठीक है, येलो सोडियम, ठीक है, ये इतनी है ए और अपने को डिस्टेंस कौन सी चाहिए, ये ए, तो कितनी आ जाएगी रूट टू ए, किसी की भी निकालो कितनी आएगी रूट टू ए, घबराने की जरूरत नहीं, क्यूब में दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, बट होती कितनी है रूट टू ए, तो अपना फर्स्ट तो ये आ गई, सेकंड क्या अपना कि यू टू आपको फाइंड आउट करना है, और यू टू कितना आएगा भाई साहब 12 एटम है सभी के लिए सेम आएगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए के ई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा रूट टू ए, ठीक है, और क्या आ जाएगा 12 के ई स्क्वायर अपॉन रूट टू ए, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ऐसे अपन थर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फोर्थ भी निकाल सकते हैं, अपने को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपने को तो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट टर्म के लिए फाइंड आउट किया था इसलिए अपन यूज कर लेते हैं, देखो टोटल क्या निकालना होता फिर यू इक्वल्स टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब एक चीज देखो, हाँ जी यू इक्वल्स टू बाहर क्या लेना है ऑलवेज, मैंने बता दिया माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, आर की जगह ए है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन
ए भाई साहब बाहर आ गया। तो पहले के अंदर माइनस था ना, तो प्लस हो गया, और बचा कितना बताओ जरा, 6। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्लस था पर माइनस हो गया, 12 अपॉन रूट 2, और फिर क्या आएगा प्लस डॉट 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 सो। और इस टर्म के साथ जो कांस्टेंट टर्म आती है वही क्या होता है, मेडुलम कांस्टेंट होता है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1.748, ये आपको क्या मिलेगी, मेडुलम कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ये, ठीक है ना। अभी बताएंगे किस तरीके से, आपको एक टेबल बनवा दी जाएगी मेडुलम कांस्टेंट की, जनरली उससे क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको पता भी होना चाहिए किस तरीके से मेडुलम कांस्टेंट फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेडुलम कांस्टेंट का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर मैंने डिस्कस कर दिया, थ्री डायमेंशनल को भी आप किसी का भी मेडुलम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। बात करेंगे आगे जब मैं आपको दो तीन क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मेडुलम कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है, उस समय आपको इफेक्टिव पोटेंशियल वाला भी कांसेप्ट यहां यूज में लेके बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से उतार लेना एक एक पॉइंट, ठीक है, इजी वे में आप उतार सकते हो इसको, इसको बार बार ड्रॉ ना करके। मैं अब सीधा डायरेक्ट NaCl क्रिस्टल पे आता हूं, किस पे आता हूं, NaCl क्रिस्टल पे। देखो थोड़ा और बता देते हैं आज आपको ब्रीफ में, अब आपको कंटिन्यू मिलेंगे भाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर, डेली आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा। अब अपन बात करेंगे NaCl क्रिस्टल पे, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बार बार ना बना के मैंने इसलिए इसको डिस्कस कर दिया नेक्स्ट में। NaCl जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको लिए देखो आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, आप एक जरा बताएंगे मुझे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, सोडियम का क्या 11 होता है, होता है। उसके बाद आपको पता है कि इसका जो कॉन्फिगरेशन लिखोगे आप किस तरीके से लिखोगे, 1s2 2s2 और 2p कितना होगा, देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 यही लिखोगे 11 के लिए। और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। और इसके जस्ट पास में क्या क्या आते हैं, देखो देखो जो यदि ये क्या करेगा, सोडियम एक यहां से हटा दे अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो किस में कन्वर्ट होगा, नियोन में हो जाएगा, ठीक है। और नियोन क्या है, क्या है भाई, अक्रिय गैस है, यानी नोबल गैसेज है, स्टेबल है। उसके साथ क्लोरीन एक आयन ले ले यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो किसके अंदर चला जाएगा, आर्गन के अंदर चला जाएगा, और आर्गन क्या है, एक नोबल गैसेज है। इसका मतलब जो ये स्ट्रक्चर होती है आयनिक बॉन्ड से ली जाती है, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि जो Na है, जो भी जो मेटलिक क्या होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो किस किस के बीच में बनते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, ऑलवेज किसके बीच में बनते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्या होगा, सोडियम आयन एक आयन किसको देगा, क्लोरीन को, और Na प्लस आ जाएगा और Cl नेगेटिव आ जाएगा। स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी NaCl की, इसकी स्ट्रक्चर अक्रिय गैसेज के समान जो होती है, यानी नोबल गैसेज की। ये जर्नल था, बाद में बताएंगे जब बॉन्ड पढ़ाएंगे तब आपको, ठीक है ना, ये जर्नल थे बातें। अब देखो, अब आ जाओ आप, आपको पता है कि जो NaCl क्रिस्टल है उसके अंदर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पे पहले बात देखो, Na प्लस आयन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम आयन की विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन आयन की, सोडियम आयन क्लोरीन आयन से कितने से घिरा हुआ है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा।
तो एक सोडियम आयन आप कितने नियरेस्ट एटम से गिरा हुआ है, आपको मैं अभी अभी डिस्कस करके गया हूं और चेक भी कर लो, स्मॉल ए डिस्टेंस में सिर्फ 6 क्लोरीन आयन रखे हुए, इसका मतलब इसकी Na सोडियम आयन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 6। सेम सिचुएशन से मुझे बताओ क्लोरीन आयन विद रिस्पेक्ट टू क्या सोडियम आयन कितना है, जरा देखो ये क्लोरीन आयन है और ये क्या है सेम डिस्टेंस पे होंगे ये सारे, तो ये कितने होंगे, कितने नियरेस्ट एटम से गिरा हुआ है, 6 नियरेस्ट एटम से गिरा हुआ रहेगा ये। तो क्या होगा क्लोरीन आयन विद रिस्पेक्ट टू सोडियम आयन से भी कितना रहेगा 6, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6 होता है, क्लियर। उसके बाद ये क्या करता है देखो, इसकी कैसे स्ट्रक्चर लैटिस कैसी होती है, एफसीसी कैसी होती है, एफसीसी एफसीसी का मतलब फेस और कॉर्नर्स, उसके अलावा जो एटम्स होंगे जो एज वाले एटम्स है वो कहां रखेंगे, वो रहेंगे किसके अंदर, आपको मैं बता चुका हूं अभी तक, देखो इसके अंदर दो होती हैं, फर्स्ट एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होती है अपनी कौन सी, सेकेंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ये दो होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए मैं बता चुका हूं पहले क्या होता है, देखो इस तरीके से आप एटम रखोगे, ठीक है इस तरीके से, और एक एटम कहां रखोगे इसके ऐसे, तो एक पीछे, तो इसके जो बीच में जो वॉइड बचेगी वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, ये लो ठीक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, सॉरी यहीं से देखो यहीं से पता चले, ये एटम ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, चार एटम, उसके ऊपर एक एटम इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए और एक इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो क्या होगा अपना जो वॉइड बनेगी वो बीच में कौन सी बनेगी, वो बनेगी अपनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसी में क्या रहते हैं, Na, Na प्लस आयन कंटेन करती है, क्लियर। ये आपका फर्स्ट हो गया, क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा नंबर ऑफ किसका फाइंड आउट करते हैं अपन, दूसरी चीज अपन जो फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं अपन लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट। अब लैटिस कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जो जो डायमंड था उसमें एक कार्बन था, उसके जस्ट 1/4 पोजीशन पे कार्बन रखा हुआ था, ठीक है, उसके बाद भी कार्बन रखा हुआ था, तो वहां पे क्या था, अपन ने जो रेडियस थी वो इक्वल ली थी। इसी तरीके से अपन ZnS में भी देखेंगे, जिंक सल्फाइड में भी, जो सल्फर के जो है ना उन पे भी देखेंगे अपन, बट अभी यहां पे अपन लैटिस कांस्टेंट ये बात कर रहे हैं। तो क्या एक चीज देखो मेरे को यहां बता देता हूं, ये क्लोरीन आयन है, ये भी क्लोरीन है, और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, एक सोडियम रखा हुआ है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए डिस्टेंस है, ए मान लो आप एज क्यूब की, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ मुझे कि जो ये रेडियस है ये किसकी है, क्लोरीन की, ये रेडियस किसकी है, क्लोरीन की, और ये सोडियम पूरा बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं कि रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन प्लस टू रेडियस ऑफ Na प्लस और प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन इक्वल्स टू ए, लिख सकता हूं पूरी एज क्यूब की ए है और इसके बीच में ये आ रहे हैं, तो इस सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस, ये पूरा सोडियम आ रहा है, ये क्लोरीन का हाफ और क्लोरीन का, इसलिए क्या लिख सकते हैं अपन टू, और क्या लिख सकते हैं आर क्लोरीन प्लस टू सोडियम रेडियस ऑफ सोडियम इक्वल्स टू ए, इसका मतलब आर सी एल नेगेटिव प्लस आर एन ए पॉजिटिव इक्वल्स टू ए बाई टू लिख सकते हैं। यह आपका क्या आ गया, एज पैरामीटर आ गया, यानी लैटिस कांस्टेंट, क्लियर हुआ यहां तक। NaCl क्रिस्टल में RCl नेगेटिव प्लस RNa पॉजिटिव इक्वल टू A by 2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब आ जाओ क्या है कि जो आपका
जो इसके इफेक्टिव एटम्स निकालोगे आप, तो एक चीज देखो, अब आपको लास्ट पॉइंट क्या निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, देखो जरा, ठीक है, इफेक्टिव एटम्स, इफेक्टिव एटम्स कैसे होंगे, देखो। हाँ जी भाई साहब, एक चीज बताएंगे जरा, इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर क्लोरीन आयन रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए, और कितने क्लोरीन आयन रखे हुए हैं पहले ये बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखे हुए, तो कितना हो गया, 1/8 इंटू मल्टीप्लाई 8, ये क्या है, क्लोरीन आयन्स, ठीक है, प्लस और बताओ, और क्लोरीन आयन कहां रखे हुए, कहां है, देखो ऊपर वाले चार हो गए, तो देखो एज पे कौन से रखे हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो आयन्स है अपने, वो कहां रखे हुए हैं, इनके फेसेज पे रखे हुए हैं क्या, जरा देखो एक बार, ये फेस का ऊपर वाला, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस, इसका मतलब कितना हो गए, 1/2 कंट्रीब्यूट करता है फेस वाला, और कितने एटम है, 6 एटम है, क्लियर, इसका मतलब कितना आया, 4, कोई दिक्कत बात भाई, 3 और 1। अब आते हैं अपन सोडियम के लिए, हाँ जी भाई साहब, ये क्लोरीन की बात हो गई, ठीक है, अब आते हैं सोडियम, तो सोडियम जरा देखो, सोडियम कहां कहां रखे हुए, सोडियम एजेज पे रखे हुए, और कितने सोडियम रखे हुए एज के ऊपर, 12 सोडियम रखे हुए हैं, मैंने बता दिया था ना, तो 12 सोडियम रखे हुए हैं एज पे रखे हुए हैं, और एज का एक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है, 4th पार्ट, और प्लस एक सोडियम कहां रखा हुआ है, सेंटर में रखा हुआ है किसके, जस्ट सेंटर में, ये रहा, ये तो पूरा कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो ये कितना आ गया, 3, और कितना आ गया, 4th, इसका मतलब जो Na प्लस और रेशियो जो Cl नेगेटिव है वो कितना है, 4:4, दैट इज मींस 4:4 को अपन किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, किस तरीके की सिचुएशन बोल सकते हैं अपन, इसको अपन बोल सकते हैं A:B:A:B, इस तरीके की ये स्ट्रक्चर होगी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए NaCl क्रिस्टल के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए, इफेक्टिव आ गए। हाँ जी भाई साहब, कर रखा है कुछ लोगों ने, जब अपने नोट्सों में ड्राइव भी करवा रखा है इसको, क्या कर रखा है कि इसका जो APF है वो निकाल रखा है, हाँ जी भाई साहब निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, पर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कैलकुलेशन APF की आप नहीं कर सकते, मतलब एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हाँ जी, जो एटॉमिक रेडियस है वो Cl की पता होती है, सोडियम की भी पता होती है, यहां रखो, और क्या होते हैं इफेक्टिव एटम कितने आए अपने, 4, तो किसके आते हैं, 4 × 4/3 πr³, r³ का मतलब सोडियम प्लस 4 × 4/3 πr² नेगेटिव अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप, बट नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो ये एटॉमिक रेडियस होती है आपकी गिवन नहीं होती है वहां पे, तो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहीं छोड़ते हैं इसको, क्लियर। तो यहां तक इसकी जो चीजें थी काम में आने वाली मैंने बता दी, अब मैं आपको लास्ट में इसकी ब्रीफ में जो NaCl क्रिस्टल के लिए जो काम में आने वाली चीजें हैं वो राइट डाउन करवा देता हूं, उसको आप अच्छे से नोट्स बना लें ताकि अपन क्वेश्चंस करें तो मैं बार बार पूछूं कि NaCl क्रिस्टल का ये चीजें हैं तो आप डायरेक्ट वहां से बता सको, कोई क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, नेक्स्ट जो चैप्टर है नेक्स्ट में उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे यहां तक मेडुलम कॉन्स्टेंट में और जो आपका NaCl क्रिस्टल है। अब अपन क्या करते हैं, इसको ब्रीफली राइट डाउन कर देता हूं मैं, आप राइट डाउन कर लीजिए अपने ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है, चलो। देखो अब मैं आपको राइट डाउन करवा देता हूं ताकि आप लिख लो,
पहली बात तो इसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं पूरा NaCl के, ये कैसी होती है, नॉन परमिटिव होती है। फर्स्ट यदि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन IIT जेम में पूछा हुआ तो नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में अलग अलग बता चुका हूं, क्लोरीन 4 एटम्स, सोडियम 8, तो रेशियो क्या होता है 4-4। क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है, देखो R सोडियम प्लस क्लोरीन यानी Na प्लस और Cl नेगेटिव कितना होगा A/2। वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल A³/4 होगा। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ होगा और मॉलिक्यूलर डेंसिटी कितनी होगी 4/A³। बताया हुआ ना कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इफेक्टिव एटम्स कितने, या तो सोडियम के या क्लोरीन के, 4/A³। क्लियर। यहां तक आप राइट डाउन कर लिए, सोडियम का क्वेश्चन कोई भी गलत है नहीं होगा, बाकी ब्रीफली मैं बता चुका हूं। अब मैं सीजियम क्लोराइड को डायरेक्टली पूरा आपको मैं यहां पे ब्रीफ में स्टडी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि CSIR नेट का जो कोर्स करवाना है अपने को जल्दी से जल्दी 15 अगस्त से पहले पहले कोर्स करवाना है, इसलिए भी और भी डिस्कस करने हैं सब्जेक्ट्स। तो पहले मैं जनरली बताता हूँ, यार लिख लेना सीजियम क्लोराइड के लिए काफी होगा आपको, ठीक है। सीजियम नॉन परमिटिव सेल ही होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 1 होता है, ये दो बेसिस पे होते हैं, नीचे मैंने लिखवा दिया, देखो यहां लिखवा दिया है कहां, बेसिस इज 2 एटम्स, एक सीजियम क्लोराइड का, एक सीजियम का और एक क्लोरीन आयन का, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है इसकी A, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 6, लोजली पैक्ड होता है। उसके बाद APF, मैंने बोला उसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका भी इजीली, बट क्या करना है आपको, कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने बोला है सभी का, पर एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैंने लिखा कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड, ठीक है। ये दो अपनी दो स्ट्रक्चर थी, एक NaCl थी, एक सीजियम क्लोराइड थी। अब दो स्ट्रक्चर बची है अपनी, कौन सी, एक बचा आपका जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेड जिनको बोलते हो, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और एक बचा आपको ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर आपकी बची हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, कोई भी इनमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब जो अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो मैं आज का ये जिंक सल्फाइड क्रिस्टल और ग्रेफाइट क्रिस्टल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अपन आगे डिस्कस करेंगे। आज मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो आपको कुछ ऐसी टर्म्स बता रहा हूं, जाके अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे अपन। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, आप टेंशन ना लें कि न्यूमेरिकल नहीं करवाएं, न्यूमेरिकल करवाऊंगा 101%, पूरी असाइनमेंट कराऊंगा, क्रिस्टलोग्राफी की पूरी असाइनमेंट, यहां तक कि जिस भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया उसके सारे करवाऊंगा, ठीक है। पहली फैमिली क्या होती है प्लेन्स की, ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है, डायरेक्शन क्या होती है, फैमिली ऑफ प्लेन्स डायरेक्शन क्या होती है, और मिलर इंडिसेज को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इन सारों को अपन एक बार ब्रीफली देख लेते हैं और कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, आज मैं कुछ मिलर इंडिसेज के क्वेश्चन करवा देता हूं 2-3, ताकि आपको ऐसा लगे कि हो रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये दो स्ट्रक्चर करेंगे और रेसिप्रोकल लैटिस कंप्लीट करेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस अगले वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कुछ ब्रेग इक्वेशन है, ये लाउवे इक्वेशंस हैं, ये जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपना क्रिस्टलोग्राफी खत्म हो जाएगा लगभग, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। चलो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अभी अपन कुछ जो प्लेन्स हैं उन पे और कुछ फैमिली ऑफ प्लेन्स हैं, डायरेक्शन ऑफ प्लेन्स हैं, उनको किस तरीके से दिखाया जाता है। देखो कुछ आज डिस्कस कर लेते हैं लास्ट के अंदर, ठीक है। पहले आपको बता देता हूं मैं कुछ मिलर इंडिसेज, देखो आप जब लिखते हो तो मिलर इंडिसेज को स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे और बिना कोमा के, किसके बिना कोमा के, HKL, ये आपके मिलर इंडिसेज होंगे, यदि कोमा लगी हुई है तो कोऑर्डिनेट होंगे वो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन को जब रिप्रेजेंट करना है तो आप बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके साथ फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है, ठीक है, और फैमिली ऑफ डायरेक्शन के लिए आपको मोस्टली यूज करना होगा ये ब्रैकेट। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो आप घबराए नहीं, इन्हीं को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल HKL आपको मिलर इंडिसेज लिखने हैं 1-1-1, तो ये आपका मिलर इंडिसेज हो गए बिना कोमा, क्लियर। उसके बाद डायरेक्शन लिखनी हो, देखो डायरेक्शन मैं आपको वापस बताता हूं आज एक बार, ठीक है, ये मानो क्यूब, देखो डायरेक्शन उस दिन अपन जाते जाते डिस्कस करके गए थे, एक बार वापस से आपको बता देते हैं किस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं। ये आपका क्यूब है,
क्लियर। ये आप मान लो इस तरीके से, आप ये आपका बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर और ये ए वेक्टर, जिस तरीके से एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है, और ओरिजिन में ये कंसीडर करके चलता है। चलो भाई साहब, मुझे यहां जाना है इस प्लेन की डायरेक्शन, इसका मतलब मैं यहां आया तो मेरी डायरेक्शन तो ये हुई डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन है, बड़ा ब्रैकेट और किस में चले हो सिर्फ ए में, तो 1,0,0 ये आपकी डायरेक्शन हो गई, किसकी 1,0,0। बी की करनी हो तो ये रही, उस दिन भी बताया था आपको, ये कौन सी बड़े ब्रैकेट के अंदर 0,1,0। उसके बाद ये लो सी के लिए क्या होगी, बड़ा ब्रैकेट 0,0 और 1, ठीक है, ये लो डायरेक्शन होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो मुझे फाइंड करनी हो मान लो यहां पे इस प्लेन के लिए, तो क्या होगी, मैं देखो इस पॉइंट में 1 चला ए में, बी में 1 चला और सी में कितना चला 1 चला इस पॉइंट के लिए, इसका मतलब मेरी जो इस प्लेन ये इतनी डायरेक्शन है ये इस तरीके से होगी इसकी, और इसके क्या होंगे 1,1,1, क्लियर। चलो यहां चलते हैं इस पॉइंट के लिए, तो यहां पे ए चले 1 और कितने चले हो सी 1, इसका मतलब क्या होगी 1,0 और 1, ये डायरेक्शन कैसी होगी इस तरीके से होगी। ये डायरेक्शंस ऑफ प्लेन्स होती हैं जो आप, मैं डिस्कस भी कर चुका हूं जनरली आज और बता दिया। अब देखो फैमिली किस तरीके से कंसीडर करोगे, फैमिली को देखो किस तरीके से कंसीडर करनी है आपको, फैमिली को इस तरीके से कंसीडर करोगे, देखो जैसे मैं आपको बता देता हूं 1,1 के लिए, देखो कि अपन बात करते हैं किसकी 1,0,0 प्लेन के लिए फैमिली कितनी होगी 1,0,0 प्लेन के लिए, ठीक है, तो 1,1,0 प्लेन के लिए जो आपकी फैमिली होगी वो क्या होगी, देखो फैमिली के लिए मैंने क्या कहा गया कि ये तो मिलर एंड डिसेज हुआ, फैमिली के लिए आपको 1,0,0 कंसीडर करके चलना पड़ेगा, और इसकी फैमिली क्या क्या होंगी, इसकी जो फैमिली होगी वो होगी क्या क्या, देखो 1,0,0, ठीक है, उसके बाद 0,1,0, ठीक है, उसके बाद 0,1 और बार 0 और क्या होगी 0,0 0 बार 0 और 0,0 बार, ये इसकी फैमिली होगी। डायरेक्शन लिखनी हो फैमिली की, फैमिली ऑफ डायरेक्शन मतलब इस तरीके से हो 1,0,0, तो आप क्या करोगे इन्हीं सभी को क्या करोगे बड़े ब्रैकेट में लिख दोगे, तो वो क्या जाएंगे इसके डायरेक्शन ऑफ फैमिली। कोई दिक्कत, ये छोटे छोटे सिंबल्स थे जिनको यूज करेंगे अपन क्वेश्चंस में, राइट डाउन कर लेना अपने अच्छे से नोट्सों में ताकि आपको कहीं आगे दिक्कतें नहीं हो, बाकी अपन और भी लिखवाएंगे इनके बाद में, फैमिली जब क्वेश्चंस करवाएंगे ना तब अच्छे से और लिखवाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन करवा देते हैं जाते जाते ताकि आज क्वेश्चनों का आगाज भी हो जाएगा धीरे धीरे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल जो IIT जेम के लेवल के भी नहीं है ये मान लो आप, ठीक है। डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 2 angstrom, 3 angstrom, 4 angstrom ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल विथ a ratio b ratio 3 ratio। तो भाई साहब मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने का पहला ही मेथड तो यही तो होता है अपना भाई, एच के और एल किस तरीके से लिखते हो कि a अपॉन OA रेशियो b अपॉन OB और रेशियो c अपॉन OC, ये लिखते हो। इसका मतलब ये क्या होते हैं इंटरसेप्ट्स, तो कितने कितने हैं अपने इंटरसेप्ट, कितने कितने हैं, देखो ABC की वैल्यू दी हुई है कितनी है 4 ratio 3 ratio 2, सिंपल क्वेश्चन है। बट देखो इसके अंदर एक चीज और दी हुई है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, इसका मतलब ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल को याद करो मैंने लिखवाया था a ≠ b ≠ c, क्लियर हुआ, इसका मतलब तीनों ही अलग है। हाजी इंटरसेप्ट कितने हैं इसके 2, हाजी 3, हाजी 4, कैलकुलेट करो कितना आएगा 2 1 1 by 2, अब क्या लेना होता है एलसीएम, हाजी भाई साहब एलसीएम कितना आएगा 2, तो 4 और 2 और 1 ये आएगा, और ये क्या होगा इसके एच
के एल मिलर इंडिसेज, क्लियर। ये तो ऑर्थोरोम्बिक था, इसी को समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक नेक्स्ट एग्जांपल और लिया है, सिंपल है, बाकी मिलर इंडिसेज के क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं, एक आध सिंपल सिंपल मिलर इंडिसेज के क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। सेकंड देखो, फाइंड द मिलर इंडिसेज ऑफ ए प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑन द ए बी सी एक्सिस इक्वल टू 3 एंगस्ट्रम 4 एंगस्ट्रम और 3। हाँ जी भाई साहब, इंटरसेप्ट तो दे दिया आपको, ये रे 3 एंगस्ट्रम 4 और 8। अब ए बी सी की वैल्यू देखो, क्रिस्टल कौन सा दिया हुआ है, टेट्रागोनल, करो, मैंने बोला था ना बार बार यूज करूंगा टेट्रागोनल, याद करो पीछे से, टेट्रागोनल की कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू सी, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, बस तीसरी नहीं होती है, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी नहीं होगी। हाँ जी भाई साहब, कैसे लिखोगे, ए रेशियो अपॉन ओ ए, ठीक है, बी अपॉन ओ बी और सी अपॉन ओ सी, क्लियर। ए का मान बी मान दोनों इक्वल है, इसलिए मैं लेता हूं ए अपॉन ओ ए का मान कितना है, देखो ओ ए का है अपना 3, रेशियो बी भी ए ही है तो ए लिख दो, उसके बाद 4, क्लियर, उसके बाद कितना है 3 है, रेशियो सी अपॉन 3, बट सी इक्वल नहीं है इसके, इसको भी ए की टर्म में लाना पड़ेगा, कैंसिल करने ना अपने को कॉमन लेने के लिए, तो देखो कंडीशन दी हुई सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1, तो सी इक्वल्स टू क्या आ गया 1.5 ए। हाँ जी, अब आ सकते हैं ए की टर्म में, आ गया ना, तो देखो ए तो आ गया, तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1.5/3, क्लियर, यहां से 1/3 1/4 और ये कितना बचा 1/2, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, नहीं आएगा इनका तो कितना आएगा 2 6 नहीं आएगा एलसीएम, ठीक है ना, 6 नहीं आएगा, 4 है ना तो कितना आएगा 12 आएगा, तो कितना आएगा 12, तो कितना जाएगा 4 3 और 6, इसका मतलब एच के एल की वैल्यू कितनी आ गई, और एक बार देख लेना कोई मिस्टेक हो गई तो, एच के एल इक्वल्स टू कितना जाएगा 4 3 6, या आपके मिलर इंडिसेज। इस तरीके से आप मिलर इंडिसेज के क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई मिस्टेक हो गई तो चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है। चलते हैं अपन, कल से आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर्स कंटिन्यू मिलेंगे, कल अपन डिस्कस करेंगे, आपको मे बी इवनिंग में लेक्चर्स आ जाएगा आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और मॉर्निंग में आपका एनालॉग चल रहा है। हाँ जी भाई, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंफर्म पूरी कर सकते हो, असाइनमेंट भी मिल रही है आपको, क्वेश्चंस भी जो भेज रहे हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, क्लिपर क्लैंपर स्टार्ट हो गया है उनका, आप साथ साथ चलते रहें, शानदार, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आशीष सर, ज़्यादा से ज़्यादा सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेम के जो न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शंस होता है उस पर ज़्यादा देते हैं जोर, ठीक है, और कोई भी चीज़ कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो टेलीग्राम पे मैक्सिमम, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर कल आपको मिलेगा, किस किस का, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल, ग्रेफाइड क्रिस्टल का और रेसिप्रोकल लैटिस का, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा असाइनमेंट्स के, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला करूंगा, ठीक है। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।